देखते हैं। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन तालिबान सत्ता पर कब्जे के लिए युद्ध का एक और प्लॉट तैयार हो रहा है। यह युद्ध दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हो सकता है। अमेरिका ने काला सागर में नाटो देशों को जुटाकर युद्धाभ्यास किया, उसके बाद से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। रूस की नेवी लगातार आक्रामक है। क्रीमिया के पास ब्रिटेन के युद्धपोत को रूस की नेवी ने खदेड़ा, फिर ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब पुतिन की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। अब बाल्टिक सागर में पुतिन की नेवी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। युद्ध तो नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। काला सागर में अमेरिका ने दिखाया कि नाटो देशों से उलझने का अंजाम क्या होगा। अब पुतिन दिखा रहे हैं कि रूस की तरफ आंख उठाने वालों का परिणाम क्या होगा। पुतिन की नेवी एक्शन मोड में और बाइडेन की नौसेना अलर्ट मोड में। ब्रिटेन हर पल चौकन्ना है। तनाव इतना है कि समंदर में लगातार धमाके हो रहे हैं और तीनों देशों में सिलसिलेवार मीटिंग्स चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा लग रहा है जैसे अब बस युद्ध शुरू होने वाला है। काला सागर में अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के बाद से पुतिन के गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन ने अब बाल्टिक सागर में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। अमेरिका को पुतिन पिछले कुछ दिनों से ट्रेलर दिखा रहे थे, अब पूरी पिक्चर दिखाएंगे। पुतिन दिखाएंगे कि रूस की नौसेना जब युद्ध के लिए जाएगी तो कैसी होगी। पुतिन ये भी दिखाएंगे कि रूस की नौसेना अमेरिका का पूरी नाटो सेना पर कैसे भारी पड़ सकती है। पुतिन चेतावनी देंगे कि समंदर में रूस को चुनौती देने का अंजाम कैसा होगा। रूस की नेवी 25 जुलाई को सैन्य परेड करेगी। परेड बाल्टिक सागर से सटे फिनलैंड की खाड़ी में होगी। परेड में रूस की नौसेना अपनी ताकत की नुमाइश करेगी। बाल्टिक सागर में पुतिन की नेवी पूरे लाव लश्कर के साथ निकलेगी। रूस के जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट से समंदर का सन्नाटा खत्म हो जाएगा। रूस की परमाणु पनडुब्बियां गहराई से ऊपर आएंगी और अपनी रफ्तार दिखाएंगी। फ्रिगेट्स और मिसाइल बोट्स समंदर में चक्कर लगाएंगे। रूस की नेवी से जुड़े फाइटर प्लेन आसमान में दहाड़ेंगे। फिनलैंड की खाड़ी के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग है। यहीं पर रशियन नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट तैनात रहती है। यही फ्लीट 25 जुलाई को परेड करेगी और फिनलैंड से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को हद में रहने का संदेश दिया जाएगा। रूस की नेवी परेड में जंगी जहाजों की तादाद कितनी होगी, इसका खुलासा उसी दिन होगा। लेकिन अनुमान तो यही है कि रूस का ये शक्ति प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार संदेश अमेरिका और तमाम नाटो देशों को जो देना है। रूस की तैयारियों का एक और ट्रेलर देखा है। फिनलैंड की खाड़ी में ऑस्कर सेकंड क्लास परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी को देखा गया था। रूस की इस सबमरीन का नाम है ओरेल K-266। ये एक साथ 96 ठिकानों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। ओरेल पनडुब्बी P-800 ओनिक्स मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर अटैक करती है। पनडुब्बी में 3M-14 के कैलिबर लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल भी तैनात है। ये अमेरिकी सेना की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के बराबर ताकतवर है। इसके अलावा एक और रूसी परमाणु पनडुब्बी इसी इलाके में गश्त कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने बाल्टिक सागर इलाके में एक साथ 3 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया है। बड़ा सवाल यह है कि रूस बाल्टिक सागर में ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। दरअसल बाल्टिक सागर के किनारे है पोलैंड। अमेरिका ने पोलैंड में ही अपने सैनिकों को तैनात करने की बात कही थी और अब रूस को लगता है कि ऐसा करने के पीछे का मकसद रूस की घेराबंदी है। पुतिन बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सीमा में दखल बर्दाश्त नहीं होगा। काला सागर में अमेरिका ने नाटो देशों के साथ जो धमाके किए, पुतिन अब उसी का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के बहाने भी रूस की नेवी अमेरिका को चुनौती दे चुकी है। रूस के पहले एक्शन की रिपोर्ट 24 जून को आई। क्रीमिया के दक्षिण में केप फायोलेंट के पास ब्रिटेन के HMS डिफेंडर को रूस की नेवी ने खदेड़ दिया। रूस की चेतावनी को मानने में जरा सी देरी होने पर रूस के जहाजों ने आग बरसानी शुरू कर दी। आसमान में रूस के फाइटर विमानों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के युद्धपोत के आसपास बमबारी भी की गई। ब्रिटेन इस पर रिएक्शन देने की सोच ही रहा था। पुतिन ने बेलग्रोड नाम की परमाणु पनडुब्बी को एक सीक्रेट मिशन पर रवाना किया। ये पनडुब्बी रूस की नौसेना का हिस्सा नहीं है। रेकी करने और परमाणु हमला करने वाली सबमरीन पर सवार कैप्टन को सीधे पुतिन को रिपोर्ट करना है। सबमरीन क्या करने वाली है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पुतिन और सीक्रेट सर्विस के कुछ अफसर करेंगे। पुतिन का अगला कदम अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक खुला चैलेंज। ब्रिटिश रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त कर रहा है। रूस ने इससे 30 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। रूस ने युद्धाभ्यास में परमाणु बॉम्बर TU-22M3 को शामिल किया। रूस का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है।
ये समंदर में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। रूस ने कई मिसाइलों का टेस्ट किया और ब्रिटेन और अमेरिका का वॉर रूम 24 घंटे के लिए एक्टिव रहा। रूस को उकसाने का अंजाम अब ब्रिटेन और अमेरिका देख रहे हैं। पेंटागन से लेकर लंदन तक लगातार रणनीति बन रही है। एक बात तो साफ है कि अगर अमेरिका या ब्रिटेन की तरफ से अब पुतिन को भड़काने का कोई भी एक्शन हुआ तो समंदर का एक बड़ा इलाका युद्ध की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।